प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कुछ खास लोगों को भी बुलाया गया है। इसमें हैं रेलवे के वो लोको पायलट जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चला रहे हैं। हमारे साथ चार अलग अलग डिवीजन के जो लोको पायलट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले सुरेखा जी, आपसे बात करेंगे कि ये जो क्षण है, आप लोगों को समारोह में बुलाया गया है, कितना खास है आपके लिए? ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भारतीय रेल ने हमें सभी लोको पायलट की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए प्रधानमंत्री जी के ओथ टेकिंग सेरेमनी में हमें इनवाइट किया है, हमारे ऑफिसर्स के तरफ से, और रेलवेज ने हमें इनवाइट करके यहाँ न्यू दिल्ली में बुलाया है। और हमें बहुत बड़ी खुशी है कि हमें इस फंक्शन में सहभाग होने का मौका मिला है। आप लोग लोको पायलट, देश भर के जो लोको पायलट हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाते हैं, तो क्या आप लोगों की चुनौतियाँ हैं आप लोगों के काम में? कितना कठिन काम है ये? वैसे देखा जाए तो लोको पायलट सभी के लिए या ALPs के लिए, पूरा रनिंग स्टाफ के लिए लाइन पे काम करना जो है बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। और जब भी हम गाड़ी कार्य करते हैं तो हमारा कम से कम 8 से 9 घंटा लाइन पे निकल जाता है वर्किंग में, और उसी दौरान हमारा काम का जो होता है उसमें सिग्नल देखना है, लोकोमोटिव को देखना है, OHE देखना है, सामने कोई भी सिग्नल इम्पॉर्टेंट है जो हमें देखने हैं उनको कड़ाई से पालन करना है, उनका संकेत क्या होता है। और इसी तरीके से दूसरी बात यह है कि ट्रेसपासर्स का भी होता है, लोगों में ट्रबल आता है, पैसेंजर्स को देखना है, बाजू से गाड़ी निकल जाती है वो देखना है, स्टेशंस के हॉल्ट याद रखने हैं। ये बहुत रेस्पॉन्सिबल काम है, और इतना जिम्मेदारी के साथ साथ सभी जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको उनके गंतव्य स्थान तक सेफली पहुंचाना हमारा जिम्मेदारी है, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी है। हमारे सभी लोको पायलट्स उसके लिए तैयार है, सब कार्य करते हैं। आपका रूट कौन सा है और उस रूट में क्या चुनौतियां हैं, किस तरह का रूट है? मैं सुरेखा यादव, लोको पायलट मेल, मुंबई डिवीजन, सेंट्रल रेलवे से बिलोंग करती हूँ। हमारा सेंट्रल रेलवे का रूट मुंबई से अभी मनमाड़ तक है और बैक, और इस तरफ मुंबई से पुणे है। वंदे भारत का सोलापुर तक था, अभी पुणे में रिलीफ मिल रहा है, तो ये रूट है हमारा। लेकिन दोनों रूट में घाट सेक्शन पड़ता है, ये लोनावला टू करजत, करजत लोनावला, एंड नॉर्थ ईस्ट में कसारा इगतपुरी, इगतपुरी एंड कसारा, ये घाट सेक्शन पड़ता है। ये बहुत टिपिकल है, और पूरे भारत में ये दो घाट सेक्शन जो है अलग तरीके के है, और यहाँ बहुत स्किल का काम है जो हमारे मुंबई डिवीजन के लोको पायलट्स कार्य कर रहे हैं। और इसी घाट सेक्शन में, दोनों घाट सेक्शन में वंदे भारत ट्रेन जो अभी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन 18 है वो कार्य करते हैं। मैंने भी ये वंदे भारत काम किया है, घाट सेक्शन में बहुत अच्छे से काम करते हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय रेल ने मुझे वंदे भारत चलाने का मौका दिया है, मुझ पर विश्वास डाल के इतना बड़ा कार्य मेरे हाथ में सौंपा और उसे अच्छे से कार्य करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, और हम सब मिलके अच्छे से काम कर रहे हैं। धन्यवाद। श्रीनी श्रीवास्तव है हमारे साथ, आप बताइए आपका रूट क्या है, और ख़ासतौर से जो आज आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है, कल शपथ ग्रहण समारोह है उसमें शामिल होने के लिए, कितना खास है आप लोगों के लिए? सर, मेरा नाम श्रीनी श्रीवास्तव है, सहायक लोको पायलट वाराणसी लॉबी NER की तरफ से मैं वंदे भारत के जितने भी क्रू हैं उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे रेलवे ने इस कार्य के लिए चुना है कि मैं आगे जा कर के मैं अपने सारे रनिंग स्टाफ की चीज़ों को, हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकूं। मैंने वंदे भारत का कार्य BSB से प्रयागराज खंड में कार्य किया है, प्रयागराज से BSB खंड में, और ये एक वंदे भारत, मैं भी इलाहाबाद का ही रहने वाला। ओके सर, और ये वंदे भारत एक मेड इन इंडिया ट्रेन है, सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए ये है। वंदे भारत एक ऐसी ट्रेन है जो पैसेंजर्स
और हम रनिंग स्टाफ हमारे क्रू को देखते हुए बनाया गया है। उसकी फैसिलिटी, उसके फीचर्स, उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें डाली गई है वो उसकी जो स्पीड है, आप देखो हम वाराणसी टू दिल्ली 8 आवर्स के अंदर हमारी विथ पंचुअलिटी लॉस नहीं होती है। हमारी इंडिया इतनी प्रोग्रेस कर रही है कि हमारी भारतीय रेल आज पहले देखो और अब देखो हमारी भारतीय रेल बहुत आगे जा चुकी है। 8 आवर्स में हम BSP टू NDLS की सारी जर्नी कम्प्लीट कर लेते हैं और हैट्स ऑफ मैं अपने भारतीय रेल को बोलूँगी और हमें ये मौका देने के लिए कि हम रिप्रेजेंट करें अपने रेलवे को प्रधानमंत्री के सब वो शपथ समारोह में। तो प्रधानमंत्री जी को आप सामने सामने देखेंगी, इसको लेके एक्साइटेड हैं? यार सर बिल्कुल, ये हम ही नहीं, ये हमारी हर एक जनता कोई भी हो, हमें एक नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है जो हमारे देश का नेक्स्ट 5 ईयर का जो फ्यूचर है वो डिसाइड होगा कि कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है सर। जो आपके रूट है उसकी क्या चुनौतियां हैं और उसमें किस तरीके का कर्व या अन्य चीज़ें आती हैं? सर BSP से प्रयागराज का जो सेक्शन है वो पहले हम जो वंदे भारत ट्रेन लेके जाते हैं BSP टू प्रयागराज वो पूरी नॉन स्टॉप ट्रेन रहती है। उसके बाद उस दौरान हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे CRO मिलते हैं, कोई मैन रन ओवर होने की आशंका CRO होता है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होता है वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस कि हमारे लोको पायलट्स, मैं सहायक हूँ, मैं अपने लोको पायलट्स को यहाँ बोलना चाहूँगी, उनके काम करने का तरीका चाहे वो बहुत हेड्स ऑफ रहता है, वो पैसेंजर्स को देखते हुए कार्य करते हैं, हर एक चीज़ उनका, उनको इतने अटेंटिव रहते हैं उनके कार्य तक, देखिए हम लोग भी इंस्पायर होते हैं कहीं ना कहीं कि इनके दिन फ्यूचर हम लोको पायलट बने तो उनके जैसा बने। और हमारा सेक्शन काफ़ी स्ट्रेट है, कोई हार्ड सेक्शन नहीं है तो हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, लेकिन हाँ इन अगर हमारी रनिंग 3 घंटे की तो हमें प्रॉपर वहाँ पर अटेंटिव रहना पड़ता है कि कोई भी कैजुअल्टी हो या कोई भी एबनॉर्मलिटी हमें दिख रही है, हमें प्रॉपर रेडी रहना पड़ता है कि हम रेडी रहें और पैसेंजर्स को सेफ रखें। आप अपना परिचय बताइए। सर मैं प्रीति साहू ALP भोपाल, भोपाल डिवीज़न से हूँ। आपका रूट क्या है? सर मेरा रूट रानी कमलापति से वीरांगना लक्ष्मी भाई तक है, वंदे भारत। कितनी लाइट्स पड़ती हैं, कितने हॉल्ट पड़ते हैं आपके रास्ते में? सर हॉल्ट तो हमारे रानी कमलापति से सीधे वीरांगना लक्ष्मी भाई ही पहला हॉल्ट है और वहीं हम रिलीव हो जाते हैं वीरांगना लक्ष्मी भाई में। और तो कितना चुनौतीपूर्ण होता है आपका, आपके रूट में गाड़ी चलाना, क्या कुछ का ख्याल रखना पड़ता है? सर हर दिन हर टाइम हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता है, हमें रास्ते में स्टार्ट होने से पहले पैसेंजर्स को भी देखना होता है, डोर का भी देखना पड़ता है और सामने CRO वगैरह, OHE वगैरह जो भी और जो ट्रबल्स वगैरह आती हैं लोगों में उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। दिमाग बहुत तेज चलता होगा उस समय। जी सर, जैसे 130 की हमारे यहाँ हमारे सेक्शन की स्पीड 130 है, उस हिसाब से अपना दिमाग भी 130 के हिसाब से ही दौड़ाना पड़ता है सर, बस उसी हिसाब से अपना सारे। तो कितना महत्वपूर्ण है आप प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में आपको आमंत्रित किया गया है? सर सबसे पहले मैं अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इसका मतलब अवसर मिला यहाँ पे सम्मान में समारोह में सम्मिलित होने का। और सर इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी को, जो हमारे रनिंग स्टाफ हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनके लिए जो हम लोगों को मतलब इतना प्रिपेयर किया, इतना सब सिखाया कि हम उस लायक आज हैं। आपका क्या परिचय है? आई एम ऐश्वर्य एस मेनन, आई एम वर्किंग इन सदर्न रेलवे चेन्नई डिविजन एंड आई एम वर्किंग वंदे भारत रूट्स फ्रॉम मद्रास टू चेन्नई टू रेणिगुंडा फॉर विजयवाड़ा वंदे भारत एंड फ्रॉम चेन्नई टू ईरोड फॉर कोयम्बतूर वंदे भारत। कितना चुनौतीपूर्ण है, क्या चैलेंजेस हैं आपके रूट में? एक्चुअली इन चेन्नई डिविजन इट्स ऑटोमेटिक सिग्नल इन टेरिटरी एंड इन एवरी ईच किलोमीटर वन सिग्नल विल बी देयर, सो वी हैव टू बी कीन एंड वेरी एक्यूरेट इन इन व्यूइंग द सिग्नल्स एंड द स्पीड इज 130 km/h, सो इट्स वेरी फास्ट एंड वी हैव टू अदेयर द स्पीड रेस्ट्रिक्शंस एंड वी हैव टू वॉच ओवर द ट्रैक्स। वेरी नाइस। आप हिंदी नहीं आती है लेकिन भारत का जो कल्चर है उसमें आपको एक महत्वपूर्ण मौका भी मिला है और आप शामिल होने जा रही हैं प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में, कितना खास है ये आपके लिए? आई फील वेरी ओवरवेल्म्ड एंड एक्साइटेड बिकॉज नॉट एवरी वन विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी, आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी अमंग मिलियंस ऑफ पीपल, सो आई फील वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड आई एम थैंकिंग रेलवे बोर्ड फॉर चूजिंग मी। प्रधानमंत्री से सीधे आप देखा है आपने कभी प्रधानमंत्री को इससे पहले? जी देखा था। इस बार कितना एक्साइटमेंट है?
बहुत ज्यादा है। सर मैं फर्स्ट टाइम देखूंगी मोदी जी को, पहली बार सामने से, तो ये मेरे लिए काफी, मेरे क्या मेरे पूरे परिवार, मेरे सभी रनिंग साथियों, सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये वो वंदे भारत एक्सप्रेस के लोको पायलट हैं जो कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाते हैं और इन सब को बाकी लोको पायलट का रिप्रेजेंटेटिव बनाते हुए बुलाया गया है प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में।